नमस्कार दोस्तों, मैं हम सूर्य है। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। पठान फिल्म का डे 29 है। फिल्म का रिस्पांस किस तरह से आ रहा है और फिल्म किस तरह से आगे जाने वाली है, ये इस पर मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहली और बड़ी बात दोस्तों ये है कि पठान फिल्म अपनी लिमिट जितनी थी उतना इसने कर लिया है, उससे ज़्यादा ही कमाई कर ली है। अब सिर्फ एक रिकॉर्ड शेष है 511 करोड़ का। अगर वो नहीं भी टूटता तो उसके आसपास ही रहेगी ये फिल्म। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि पठान का जो रिकॉर्ड है, स्पेशली सॉरी बाहुबली 2 का रिकॉर्ड है, टूट जाना चाहिए और टूटेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं ऑक्यूपेंसी की। सुबह 5% की ऑक्यूपेंसी थी, जो सिमिलर कल की तरह थी। आफ्टरनून शो की ऑक्यूपेंसी 7% थी, इवनिंग शो की ऑक्यूपेंसी लगभग 9% और रात की ऑक्यूपेंसी कुछ नहीं तो 1% और ज़्यादा आई होगी, 10% के आसपास की। कल की ऑक्यूपेंसी से जस्ट हल्का फुल्का ड्रॉप है 1 या 2% का, और यहाँ पर इसकी ऑक्यूपेंसी जो है पूरे दिन की 7% के आसपास नजर आ रही है, विच इज़ नॉट बिगर नॉट वेरी लेस ऑल्सो, बट स्टिल इट्स अ डिसेंट ऑक्यूपेंसी आई कुड से। द कलेक्शंस आर लिमिटेड, इट इज़ नॉट वेरी लो, नॉट वेरी हाई, स्टेबल बने हुए हैं। 90 लाख से 1 करोड़ के रेंज में कलेक्शंस यहाँ पे समझ में आ रहा है मुझे, उससे नीचे नहीं गिरेगी ये बात पक्की है। अगर ऐसे रेंज में कलेक्शंस होता है तो फिल्म का टोटल जो हो चुका है 500.05 करोड़ वो पहुँच जाएगा 500.95 करोड़ तक, या फिर 501.05 करोड़ तक, क्योंकि 90 लाख से 1 करोड़ के बीच का रेशियो समझ में आ रहा होगा। ऐसे में रहा 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास, जी हाँ दोस्तों, ऐसे रहा तो 500.95 करोड़ से लेकर 501.05 करोड़, मतलब मोटा मोटा पकड़ा जाए तो 501 करोड़ तक ये पहुँच जाएगी, इतना आपको समझना है। उसके बाद से और 10 करोड़ चाहिए बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। ऐसे में इस फ्राइडे को सेल्फी फिल्म रिलीज होगी, उससे भी इसको टक्कर मिलेगी, उसकी स्क्रीन्स कम हो जाएगी, उसके बाद ये जो सपना है वो और धूमिल होता जाएगा। लेकिन अगर सेल्फी नहीं चलती तो उसका पूरा फायदा इस फिल्म को मिलेगा। और मेरा ऐसा मानना है अभी भी इस फिल्म में इतनी जान बाकी है कि जो वापस से जो शनिवार और रविवार आएगा पब्लिक फिल्म उछलेगी, और जब पब्लिक उछलेगी और अगर कलेक्शंस यहाँ पे लमसम अगर 4 करोड़ का भी हो गया ना, 4 करोड़ का, तो आप पकड़ लीजिएगा कि बाकी आने वाले वक्त में ये 511 करोड़ हर हाल में कमा लेगी। चलिए फिलहाल इतना ही।